आजाद हिंदुस्तान लाइव सच के साथ। विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल सहित अन्य संगठनों ने दी शहीदों को श्रद्धांजलि। बिपिन रावत सहित अन्य मृतकों के चित्र पर अर्पित किए फूल। सनावत, गत दिनों हेलीकॉप्टर दुर्घटना में वीर गति को प्राप्त भारत के प्रथम चीफ डिफेंस ऑफ स्टाफ बिपिन रावत, उनकी पत्नी मधुलिका रावत और 11 सेनाधिकारियों और सैनिकों को भावपूर्ण श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। नगर के माता चौक बस स्टैंड पर विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आदि संगठनों ने संयुक्त रूप से श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया। सभा में उपस्थित युवाओं ने शहीद वीरों के चित्रों के समक्ष दीप प्रज्वलित कर पुष्पार्पण किए और पूर्व सैनिक पवन पुनासिया, दिलीप सकरोदिया, जितेंद्र राठौर, अनिल अजमेरा, राजेंद्र साध, श्याम पुरोहित, बिन्नी सिंह कपूर, पीयूष मंडलोई, अजय पहलवान, रशीद जोया, नितिन करडक ने कहा, सीडीएस बिपिन रावत के शब्द अमर हैं और भारतीयों को सदैव प्रेरणा देते रहेंगे। श्रद्धांजलि सभा में तेजेंद्र पाल सिंह कपूर, राजा चौरसिया, गौतम विद्यार्थी, कमल पटेल, धर्मेंद्र सिंह पवार सहित बड़ी संख्या में नागरिक उपस्थित थे। सनावत से विवेक विद्यार्थी की रिपोर्ट। दो दिन पूर्व जो विमान हादसे के अंदर इस देश के जनरल, तीनों सेनाओं के अध्यक्ष सीडीएसजी श्री बिपिन जी रावत सा पत्नी सहित एवं 11 वीर सैनिकों को, जो जवानों की विमान हादसे में मौत हुई है, शहीद हुए हैं, ये देश के लिए बहुत ही दुखद घटना है, देश के लिए बहुत बड़ी क्षति है। आज विश्व हिंदू परिषद की ओर से, बजरंग दल की ओर से, राष्ट्रीय स्वयं संघ की ओर से ये कार्यक्रम का आयोजन करा गया है कि सनावत नगर के अंदर भी ऐसे देश के वीर, भारत माँ के सपूत को श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहिए। तो विश्व परिषद ने ये आयोजन किया है। भारत माता की जय।